हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। क्या आप राजस्थान के अपकमिंग आरपीएससी एएन या आरएसईबी के एएन या जेएन या आरएसएसबी के जूनियर इंजीनियर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? अगर हाँ तो आपको चाहिए प्रैक्टिस के लिए एक ऐसी किताब जिसमें राजस्थान के अभी तक सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस पे आधारित जितने भी टेक्निकल एग्जाम्स हुए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मिले एक जगह पर। और बिल्कुल इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इंजीनियर्स एकेडमी पब्लिकेशन ने डिजाइन की है ये शानदार किताब। इस किताब में ईयर 2010 से लेकर 2021 तक अभी तक ऐसे 45 अलग अलग पेपर्स हुए हैं जहां पे सिविल इंजीनियरिंग सिलेबस का हिस्सा था, और वो सारे के सारे 45 पेपर के टेक्निकल क्वेश्चंस, टोटल 4,392 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस पे आधारित हैं, वो सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको इस किताब में। और जितने भी क्वेश्चंस मौजूद हैं वो सारे के सारे सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज मैनर में सेग्रीगेटेड हैं, ताकि आपको यह भी पता चलते रहे कि किस सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक से बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कौन से टॉपिक से जहां से क्वेश्चन बहुत ही कम या कभी कभार ही पूछे जाते हैं। और यही सारी चीजें हमारे लिए जरूरी है स्मार्ट स्टडी में। स्मार्ट स्टडी ऐसे कि कम से कम एफर्ट्स में हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला पाएं, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इंजीनियर्स एकेडमी पब्लिकेशंस ने इतनी शानदार किताब डिजाइन की है। अब एक और चीज है, यह किताब एक स्मार्ट एडिशन, मतलब स्मार्ट बच्चों की स्मार्ट पहचान, मतलब इस किताब को आप लेते हो तो आपको मिलेंगे 5 QR कोड इस किताब के लास्ट में। उन QR कोड को आप स्कैन करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे इस किताब के साथ मिलने वाले 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट पे बिल्कुल मुफ्त। मतलब आपने केवल ये किताब खरीदी, इसके साथ आपको राजस्थान में जितने भी सिविल इंजीनियरिंग के ऊपर बेस्ड एग्जाम्स हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस भी एक जगह पे मिल गए। ये भी समझ में आ गया कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं राजस्थान के स्टेट के एग्जाम्स में, और साथ ही साथ हमें अपनी तैयारी को इवेल्युएट करने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिले बिल्कुल मुफ्त। इतनी सारी चीजें मिल रही हैं हमें इस एक किताब में। अब चलिए आइए इस किताब के अंदर की कुछ झलक देखते हैं कि कितने शानदार तरीके से कंपाइल की गई है यह किताब। तो दोस्तों यह है हमारे पास इस किताब के अंदर के कुछ पेजेस। जैसे कि आप इसके कवर फोटो में ही देख सकते हैं कि इस किताब में केवल एएन और जेएन ही नहीं, राजस्थान में जितने भी बाकी एग्जाम्स हुए हैं जहां पर सिविल इंजीनियरिंग सिलेबस का हिस्सा था, जैसे रीको का एग्जाम, जेएसओ का एग्जाम, एसीएफ का, एटीपी का, डीएलबी का, लेक्चरर हो, वाइस प्रिंसिपल हो, जयपुर मेट्रो हो, जितने भी एग्जाम्स थे जहां सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस हैं वो सारे एग्जाम्स के पेपर मिलेंगे आपको इस किताब में। अब इस किताब का हम देखते हैं, देखिए इंडेक्स अगर हम देखें तो देखिए ये इंडेक्स से पहले इस किताब के पीछे एक समरी है कि राजस्थान के कौन कौन से एग्जाम्स के पेपर इस किताब में मौजूद हैं। और जैसे कि आप अपने यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, जेएसओ 2010 का पेपर, एसीएफ 2011 का पेपर, आरपीएससी लेक्चरर 2011 का पेपर, इस तरीके से करते हुए टोटल लास्ट में आप आएंगे तो 45th नंबर पे मिलेगा आपको जेएसओ का 2021 का पेपर। कुल मिलाकर 5,629 क्वेश्चंस हैं और इनमें से टेक्निकल है 4,392, और ये सारे के सारे टेक्निकल क्वेश्चन सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस पर आधारित मिलेंगे आपको इस किताब में। अब इस किताब का कंटेंट देखिए, अलग अलग सब्जेक्ट्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थियोरी ऑफ स्ट्रक्चर, रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट स्टील स्ट्रक्चर, बीएमसी, सीपीएम, एनवायरमेंट, इस तरीके से जितने भी यहां पे क्वेश्चन है वो सब्जेक्ट वाइज मैनर में डिवाइडेड है, और सब्जेक्ट के अंदर और फर्दर टॉपिक वाइज डिविजन मिलेंगे। जैसे कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को आप देखें तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो टॉपिक वाइज मैनर में, बेसिक्स एंड इंट्रोडक्शन के क्वेश्चन अलग, एसएफडी एंड बीएमडी के अलग मिलेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के अलग मिलेंगे, बेंडिंग स्ट्रेस के अलग, शियर स्ट्रेस के अलग, इसी तरीके से सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज मैनर में बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में यह किताब कंपाइल की गई है। अब इसके अंदर हम देखते हैं जैसे कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पहला टॉपिक है बेसिक एंड इंट्रोडक्शन। यहां पे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो पहला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आरपीएससी लेक्चरर टेक्निकल एजुकेशन 2011 में आया है। सिमिलर क्वेश्चन थोड़े से वर्ड चेंज करके आरपीएससी एसीएफ 2011 में भी पूछा गया। सिमिलर क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करके पीएचईडी जेई डिप्लोमा के एग्जाम 2014 में पूछा गया है, और सिमिलर क्वेश्चन आरपीएससी एसीएफ 2018 में भी पूछा गया है। तो क्वेश्चन और फिर उसके नीचे बहुत ही डिटेल तरीके से कंपाइल किया गया उसका सॉल्यूशन। और बिल्कुल इसी तरीके से इस किताब में मौजूद जितने भी क्वेश्चन हैं हर क्वेश्चन के नीचे
वो क्वेश्चन किस एग्जाम में आया है और कौन से ईयर में पूछा गया था ये भी गिवन है, ताकि आपको ये ध्यान रहे कि ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली अगर दिख रहा है तो मतलब उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इस किताब को इतना शानदार तरीके से कंपाइल किया गया है। अगर आप चाहते हैं कि आप राजस्थान के जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं, जैसे कि एएन और जेएन के एग्जाम होंगे, आरएसईबी के होंगे, आरएसएसबी के होंगे, आरपीएससी के एएन भी होंगे, अब ये सारे अपकमिंग एग्जाम्स अगर आपका लक्ष्य है, आपका टारगेट है, तो आपको इस किताब से प्रैक्टिस करना ही करना है। तो दोस्तों देर मत कीजिए, इस किताब को जल्दी से ऑर्डर कर दीजिए। इस किताब को आप डायरेक्टली इंजीनियर्स एकेडमी पब्लिकेशन से ऑर्डर कर सकते हैं। उसको ऑर्डर करने का डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फर्दर अपडेट्स के लिए और इसी तरीके की इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए जुड़े रहिए निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म से। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। इफ यू रियली लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।